أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر البحر الظافر العلم الظاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم والمنحرفين عنهم والشاكين فيهم من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه وأتقن خطابه وقوله الحق وأصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. صدقت على إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قالوا من ذريتي الوعد مجلس کا معاملہ ہے، اس لیے صبر کرنا پڑتا ہے. بہت زیادہ نہیں، چند کلمے. قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اذ ابتلا ابراہیم ربہ، ابراہیم کے رب نے ابراہیم کا امتحان لیا. ابتلا امتحان لینے کے معنی ہے. خدا بند عالم خود فرما رہا ہے کہ میں نے اپنے خلیل کا امتحان لیا اور میرا خلیل جو ہے کامیاب ہوا، اس امتحان میں کامیاب بھی ہوا. اور آواز بھی آئی فدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین. ہم نے فدیہ قبول کیا، فدیہ قبول ہوا، امتحان میں کامیابی ہوئی. مسئلہ اہم بھی ہے، ٹیڑھا بھی ہے. فدیہ کیا چیز ہے؟ قربان کرنا، کسی کے اوپر کسی کو قربان کرنا. فدیہ جو ہے، جو چیز بھی فدیہ کی جائے گی اس کا درجہ کم ہوگا، اور جس کے اوپر سے وہ چیز فدیہ کی جائے گی اس کا درجہ جو ہے بہت بلند ہوگا. مسئلہ آگے پھنس گیا. قرآن مجید ہے، اللہ کی کتاب ہے، سمجھنے کے لیے علم چاہیے، علم کافی، علم وافی، علم شافی. جس کے پاس علم قرآن ہو، 14 علم ہیں ادب کے، اگر 14 علم سے واقفیت ہے تو آیتوں کا ترجمہ کرے، نہیں چپ چاپ رہے.
सलवार भेजिए। इससे बेहतर सलवार भेजिए। सब कुरान मजीद की तरफ जो है आए समझने के लिए, इल्म वाफी इल्म काफ़ी के लिए ज़रूरत है। रखने वाला आए आयतों को समझे। इस्माइल नबी अल्लाह को बचाया गया और इस्माइल का फिदिया जो है ज़िबहे अज़ीम को खुदावंद आलम ने फरमाया कि ज़िबहे अज़ीम जो है ये फिदिया है। किसका फिदिया है? इस्माइल का। अब ज़िबहे अज़ीम कौन है? इस्माइल नबी अल्लाह मालूम। अब ज़िबहे अज़ीम के फिदिया किया जा रहा है जनाब इस्माइल का। हम मुसलमान फैसला करें कि इस्माइल नबी अल्लाह का दर्जा ज़्यादा है कि ज़िबहे अज़ीम का दर्जा ज़्यादा है। ये बहुत बड़ी समझने वाली बात है और इस गर्मी में समझा लेंगे इंशाअल्लाह। ऐसी बात नहीं होगी। सलवात भाई ये मुहसरीन कुरान मजीद के जानने वाले जिनको जो है थोड़ा बहुत इल्म रहता है, उल्टा सीधा तर्जुमा भी करते हैं, वो यही तर्जुमा करते हैं कि इस्माइल नबी अल्लाह का फिदिया हो गए, ज़िबहे अज़ीम वाले फिदिया हो गए। कहाँ लिखा है? यहाँ कुरान मजीद में लिखा है, अल्लाह के किताब में लिखा है कि ज़िबहे अज़ीम जो है वो कुर्बान हो गए जनाब इस्माइल के ऊपर। फदाए ना हो, हमने फिदिया किया इस्माइल का बेज़िबहिन अज़ीम, अज़ीम कुर्बानी की ज़रिए से उसको फिदिया किया, इस्माइल को बचाया और ज़िबहे अज़ीम जो है वो फिदिया हो गया। लेकिन ये अकीदे के ख़िलाफ़, ये ईमान के ख़िलाफ़, तरीक़े अहले बैत के ख़िलाफ़, आले मोहम्मद के नज़रिए के ख़िलाफ़, इसलिए कि पंजतन पाक और चारजा मासूमीन में इनसे बेहतर न कोई हुआ है और न होगा। सलवात भेजिएगा। अब आयत के समझने की दुश्वारी है, समझने की कोशिश कीजिए। फदे ना हो, हमने उसका फिदिया बनाया। किसका फिदिया बनाया? लोगों ने कहा इस्माइल का। हमने कहा यही तो आपके समझ का फेर है। कहा फिर फदे ना हो, हमने उसका फिदिया बनाया। ये हो कौन है? कहा ये नूर जो इस्माइल के सुल्म में है, नूर मोहम्मद जब फना हो रहा था तो ज़िबहे अज़ीम ने कुर्बानी दी और उस नूर को बचाया, मोहम्मद को बचाया है, इस्माइल को नहीं बचाया है। सलवात भेजिएगा बाबा। इससे बेहतर सलवात भेजिएगा। हदीस पढ़ रहा हूँ, हुसैन मिन्नी वाना मिन हुसैन, मैं हुसैन से हूँ और हुसैन मुझसे हैं, तर्जुमा यही किया जाता है, मैं हुसैन से हूँ। ये तो ज़रा मुश्किल है, नबी अल्लाह हुसैन से कैसे हैं और हुसैन मुझसे हैं? जाहिर है इमाम हुसैन सलाम निवासे हैं, बेटी के बेटे हैं, ये जुमला तो वाजे है। लेकिन ये कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से रसूलुल्लाह हैं, तो ये समझने वाली बात आसान नहीं है, आसानी से बात समझ नहीं आएगी।
कि इसका क्या मकसद है, तो आप सुनिए। हुसैन मिन्नी, मेरा हुसैन मुझसे ही है, मेरा निवासा है, मेरी बेटी का बेटा है, और मैं हुसैन से हूँ। मैं हुसैन से कैसे हूँ, जब आलम अनवार में जनाब इस्माइल ज़बह किए जा रहे थे, तो इस्माइल के सुल्म में नूर मोहम्मद था, इसलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस्माइल को नहीं बचाया बल्कि नाना को बचाया है। अब मतलब हुआ, सलवा नहीं है। हुसैन ने बचाया रसूल खुदा को, कुर्बानी के बाद अपनी कुर्बान। जिब्रे अजीम न दुम्बा हो सकता है और न इस्माइल नबी अल्लाह हो सकते हैं। जिबे अजीम करबला वाला है, इससे बड़ी कुर्बानी कोई हुई है और न इससे बड़ी कुर्बानी कोई होगी। तो हुसैन ने तनहा जो है दीन इस्लाम को नहीं, बानिए दीन नबी अल्लाह को भी हुसैन ही ने बचाया है। हुसैन की मंजिल वो है कि उस मंजिल तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। सलवात भेजिएगा। एक सलवार और जोर से भेज दीजिए। अपना भी ख्याल है, आपका भी ख्याल है, समझे। मसह पा रहे हैं इसलिए ज़्यादा तूल तफसील नहीं देना। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत है अल्लाह को, कितनी मोहब्बत कोई समझ नहीं सकता। हुसैन को जिससे जिससे मोहब्बत है, मेरे हुसैन तू अपने नाना को कितना चाहता है, फरमाते हैं मैं अपने नाना के बराबर किसी को नहीं चाहता, इतना मैं अपने नाना को चाहता हूँ। क्या तेरा नाना जो है अगर उड़ जाएगा तो मैं तनहा नहीं छोड़ूंगा तुझको, तुझे शबीह रसूल दूंगा। मेरे हुसैन तुझे नाना से मोहब्बत है तो नाना की शबीह तेरे पास होगी। वो कौन सी शबीह है? जनाब अली अकबर। तफसील नहीं, तफसील बाद में। जनाब अली अकबर शबीह रसूल, ये कोई तारीखी बयान नहीं है, हदीस है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कौल है कि मेरा अली अकबर जो है शबीह रसूल है। जब मैं नाना के ज़ियारत का मुश्ताक होता था तो मैं अपने लाल को देख लेता था, ज़ियारत कर लेता था। ए मेरे हुसैन, तुझे और किससे मोहब्बत है? कहा मुझे मेरी माँ से मोहब्बत है, फातिमा ज़हरा सिद्दीक़ा ताहरा। अल्लाह अकबर। कहा हुसैन तेरी माँ दुनिया से अगर जाएगी तो उसकी शबीह मैं तुझे दूंगा, ज़ैनब उसकी शबीह होगी। हुसैन जब तुम ज़ैनब माँ को देखना चाहे ना तो ज़ैनब अपनी बहन की ज़ियारत कर लेना। ए मेरे हुसैन और तुझे किससे मोहब्बत है? कहा भाई हसन से। कहा भाई हसन की निशानी कासिम जो है शबी, शबी है इमाम हसन, तुझे दूंगा कि जब भी तुझे ज़रूरत हो भाई की ज़ियारत करने की तो देख ले, हसन की सूरत को देख ले। और किससे मोहब्बत है पालने वाले? मुझे मेरे बाबा से मोहब्बत है, बाबा अली से। कहा बाबा अली को देखोगे, अगर अली को उठा लूँगा तो अली की जगह पर अबुल फजील अब्बास, शबीह है अली, अली के बिल्कुल सूरत तस्वीर। जब तुम्हें ज़ियारत की ज़रूरत हो कि बाबा की ज़ियारत करो तो अली को देख लेना, अब्बास को देख लेना। शबीह जो है
तो पंजतन पाक करबला में न सही, लेकिन शबीहें मौजूद हैं, सब शबीहें मौजूद हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास। अभी पांच शबीहों से इमाम हुसैन सलाम को कितनी मोहब्बत है न हम बता सकते हैं न आप समझ सकते हैं। कहा कैसे? कहा पांच शबीहें ऐसी थी कि जब इमाम हुसैन सलाम देख लेते थे तो फरमाते थे यही पंजतन पाक मौजूद है, करबला में पंजतन पाक मौजूद है। पंजतन पाक कहाँ? आज वो नहीं है तो उनकी शरीहें मौजूद है, लेकिन आप आइए करबला, इन पांच शबीहों के साथ अश्किया ने क्या किया है मालूम है? शहीद हुए हैं 72, लेकिन जो पांच की कैफियत हुई है किसी की नहीं। जो मजालिम इन पांच अफराद पर जो शबी थे अहले बैत ताहिरीन के, जो मजालिम इनके ऊपर हुए किसी के ऊपर नहीं हुए। शहीदों की लाशों को देखिए, लाशें उठा उठा के ले आए हैं मजलूम इमाम, लेकिन ये शबी हैं जो है उठाने के लिए कैसे उठाया जाता? कहा जवान बेटे की मैयत आई खेमे में, कुछ तो बोलिए, सुना होगा जाकिरीन से कि जनाब अली अकबर की जो है लाश आई है, जनाब अब्बास की लाश आई, कहो ना आई या नहीं आई। अब्बास की लाश दरिया फरात पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ला नहीं सके, नहीं समझे, उठाना चाहा लाश नहीं उठी। जनाब कासिम जो है सभी इमाम हसन थे, क्या आपको यकीन है कि जनाब कासिम की लाश इमाम हुसैन साहब लाना चाहते थे? बिल्कुल लाना चाहते थे। रवायत कहती है जनाब कासिम की लाश को लेके चले तो इमाम अलैहिस्सलाम के उठाने में जनाब कासिम के दोनों पैर ज़मीन पर जो है अल्लाह अकबर ज़मीन पर लगे थे, और इमाम के साथ वो पैर जो है वो भी चल रहे थे। कहा क्यों? कहा लाश पामाल हो गई थी इसलिए उठा नहीं पा रहे थे। आखिर में पुकारा था बनी हाशिम पे, बच्चों अरे अब आओ और अपने भाई की लाश उठा लो। बच्चों को पुकारा है जनाबे अली अकबर शबी है रसूल। बस मैं इसी पर खात्मा। मौत हुई है, बेचारा जो है बहुत कमचीनी में मारा गया। ये तो हर आदमी को अफसोस है, लेकिन बाप के दिल से पूछिए, दादा के दिल से पूछिए, घर वालों खानदान वालों के दिलों से पूछिए कि क्या गुजर रही है। अल्लाह अकबर जी, तो यानी हम लोग तो रिश्तेदार थे, दूर के थे, लेकिन जब मालूम हुआ कि चाकू लगे हैं तो ना पूछिए, वो जो है मुसीबत सुनी नहीं जा रही थी। कितने बेचारे के चाकू लगे, 1, 2, 6, 4, 6 जितने भी चाकू लगे, वो लाश जो है कैसी रही होगी चाकू लगने के बाद? उस वक्त जो है किसको पुकारा होगा? समझे नहीं, खानदान बड़ा होता है, सबको याद किया जाता है। अरे फला होता तो ये हो जाता, अरे फला होता तो वो हो जाता। बस मजलिस खत्म हो गई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बुनैया बेटा अली अकबर, ए मेरे लाल बुनैया अली, मेरे करीब आओ। जनाब अली अकबर करीब आए, फरमाया बाबा इजाज़त दीजिए शहीद होने के लिए।
मजलूम इमाम ने समझाया, मेरे लाल तुम मरने जा रहे हो, तुम मरने नहीं जा रहे हो, बाप खत्म हो गया, ये मेरे लाल मेरे जिसमें जान नहीं है। बेटा अली अकबर, जब मैं मुश्ताक होता था नाना की ज्यारत, तुम्हारी ज्यारत करता था, बेटा मैं किसकी ज्यारत करूंगा। ए बेटा अली अकबर, कहाँ जा रहे हो? अल्लाह अकबर। फिर जो है मजलूम इमाम ने उस बेटे को सवार किया है, सवार करने के बाद फरमाते, बेटा जा रहे हो, जा तो रहे हो लेकिन मुड़ मुड़ के मुझे पूछे। जनाब अली अकबर ने जब मुड़ के देखा तो क्या देखा, मौला का लेजा पकड़े हुए पीछे पीछे आ रहे हैं। जनाब अली अकबर घोड़े से कूद पड़े, हे बाबा ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो है पैदल चलें और आपका बेटा सवार हो। हे बाबा आप मेरे पीछे चलेंगे तो मैं सवार नहीं हो सकूंगा। अच्छा मेरे लाल जाओ, खुदा हाफिज़, जा तो रहे हो लेकिन मुड़ मुड़ के अपनी सूरत मुझे दिखलाते जाओ। क्या कैफियत थी, गया मजलूम इमाम का चांद, गया यजीदी फौज के बादल में चुप गया। मजलूम इमाम जो है देख रहे हैं मेरा लाल मैदान में गया है। शेख जाफर सुस्तरी बहुत बड़े आलिम थे, लिखते हैं इमाम हुसैन सलाम के ऊपर 3 मरतबा इहतजारी कैफियत तारीफ हुई। इहतजारी कैफियत क्या है? जांकनी का है, जैसे किसी की रूह निकल रही हो वो कैफियत तारीफ। अल्लाह अकबर। बीवियों ने देखा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की रूह परवाज कर रही है। बहन पूछती, अरे भैया, अरे आपका क्या आलम हो रहा है? ए जैना, मेरा लाल मर गया, आधा में घिर गया। ए मेरी बहन, उसके बाद घोड़े पे सवार होना चाहा। रवायतें कहती है घोड़े पे नहीं सवार हो सके, वो मुश्किल घोड़े पे सवार हुए और कल के गाह की तरफ रवाना हुए। यजीदियों से पूछा, ये यजीदियों मेरा चांद कहाँ है? ये मेरे दुश्मनों, मेरे लाल को किधर तुमने मारा है? एक रवायत में कि 3 मरतबा पुकारा है, किसको पुकारा है मालूम है? ऐना अली, ऐना अली, ऐना अली। अरे मौला किस अली को पुकार रहे हो? बाबा अली को या बेटा अली अकबर को पुकार रहे हो? अरे बेटा तू कुछ बोल तो, बाप तेरे आवाज पर आए लेकिन आवाज नहीं आ रही है। देखा और करीब गए, देखा कि अशिया घेरे हुए हैं, कोई नेजा मार रहा है, कोई तलवार मार रहा है। मजलूम इमाम बढ़े, देखा जवान बेटा घोड़े से गिर चुका है, उठना चाहता है उठ नहीं सकता है। उसके बाद मजलूम इमाम जब जवान बेटे के देखा जख्मी हो रहा है, मौला संभल नहीं सके, गिर गए। ईमान वालों, गिरने के बाद मौला खड़े नहीं हो सके, अपने हाथों का सहारा लिया, अली अकबर की तरफ बढ़े। वज़ा खद्दहु अला खद्दे, अपने रुखसार को अली अकबर के रुखसार पर रख दिया। क्या क्यों किस लिए? इसलिए देख रहे थे मेरा लाल जिंदा है, सांस आ रही है। फरमाया बुनैया अला दुनिया बाद
ए बेटा आप जीने में कोई मजा नहीं, ए मेरे लाल तुम गए और बाप को अकेला छोड़ गए, अल्लाह अकबर। ए बेटा मजलिस खत्म हो गई, ईमान वालों फरमाया बेटा क्या सीने में तकलीफ है, अल्लाह अकबर। जब मौला ने सीने की तरफ हाथ उठाए बढ़ाया तो नेजा अड़ी टूटी हुई सीने में, मौला ने निकालना चाहा, अल्लाह अकबर, निकालना मुश्किल हो गया, कलेजा भी साथ निकल आया, मेरा मौला बेसहारा हो गया। बुनैया दुनिया बाद कलाफा, ए बेटा हम जीने में मजा नहीं है, ए मेरे लाल तुम चले गए, ज़ईफ बाप क्या करे। ए बनी हाशिम के बच्चों आओ मिलके अपने भाई का जनाजा उठा लो, इसलिए मैयत उठ नहीं रही है। कैसे कैसे मैयत गई, किसी ने कहा ज़ैनब, अरे उम्मे लल्ला से कह दो अली अकबर दूल्हा बन के आ गया, अल्लाह अकबर, वाली अकबरा वाली अकबरा। La 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 la